కాంగ్రెస్ లో అధికారం కోసం ఫైట్ కొనసాగుతుందన్నారు ఆప్ నేషనల్ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ లూధియానాలో ఆప్ ఎంపీ భగవంత్ మాన్ తో కలిసి మాట్లాడారు కాంగ్రెస్ లీడర్లంతా సీఎం కుర్చీ కోసం కొట్టుకుంటున్నారని విమర్శించారు గొప్ప ఆశలతో పంజాబ్ లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిందని కానీ ఇప్పుడు అది అపహాస్యమైపోయిందన్నారు సిద్ధు ఆప్ లో చేరుతారా అన్న ప్రశ్నకు హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్ అంటూ సమాధానం ఇచ్చారు కేజ్రీవాల్ आज से 5 साल पहले पंजाब के लोगों ने बड़ी उम्मीद करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी लेकिन आज कुछ सरकार नाम का कुछ दिखाई नहीं दे रहा इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है हर उनका नेता सीएम बनना चाह रहा है आपस में इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है कि सरकार बिल्कुल गायब है लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं तो एक तरफ जहां सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचार और सत्ता का गंदा नाच चल रहा है दूसरी तरफ वहीं एक आम आदमी पार्टी है जो पंजाब के विकास और पंजाबियों की तरक्की के लिए दिन रात प्लानिंग कर रही है अब सब लोग कह रहे हैं और पूरा पंजाब तैयार है कि चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी सरकार बनने के बाद हम क्या करेंगे इसकी पूरी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं अभी थोड़े दिन पहले मैं आपके बीच में आया था हमने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे दिल्ली में करके दिखाई है झूठ नहीं बोलते हमने कहा हम किसानों की बिजली माफ करेंगे हमने कहा हम पुराने बिल माफ करेंगे कल मेरी व्यापारियों के साथ मीटिंग हुई व्यापारियों को भी व्यापारियों के साथ मिलके हम लोगों ने पंजाब के लिए खाका तैयार किया एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी गारंटी देने के लिए मैं आया हूं वो है स्वास्थ्य की गारंटी स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी हेल्थ की गारंटी अस्पतालों की गारंटी आज पंजाब के अंदर इतना बुरा हाल है अगर आप बीमार पड़ जाओ और सरकारी अस्पताल में चले जाओ पीजीआई छोड़ के सरकारी अस्पताल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में चले जाओ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चले जाओ आप इलाज बिल्कुल इलाज नहीं मिलेगा